नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, इवनिंग में आपकी आज राजस्थान जीके की क्लास है और लास्ट डे को आपकी इंग्लिश की हुई थी। तो एक दिन छोड़ के आपकी एक दिन के ऐसे चैनिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें कि आपकी एक दिन राजस्थान जीके की क्लास होती है, एक दिन इंग्लिश क्लास होती है। तो आज आपका राजस्थान जीके का ये मॉडल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसमें राजस्थान जीके के जो कि राजस्थानी कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन है, जो कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम का जो आपका सिलेबस है, आपका पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 20 क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो राजस्थान जीके की इससे पहले आपकी 70 क्लास ही कंप्लीट हो चुकी है, आज आपकी 71वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपको बताना है कि संगीत भरताचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो राशो आदि उपाधियां किस शासक की प्राप्त थी, यानी किस शासक को प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी राणा हमीर। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या आएगा इसमें, वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए जिसने किया था बिल्कुल सही जवाब है। राणा कुंभा ने क्या है, संगीत भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो राशो आदि की आदि उपाधियाँ वो क्या है इन्होंने प्राप्त की थी। बढ़ते नेक्स्ट की आपको बताना है कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रमाबाई, ऑप्शन नंबर बी गौरीबाई, ऑप्शन नंबर सी अवाड़बाई, ऑप्शन नंबर डी डालीबाई। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, रमाबाई था, यानी महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था, रमाबाई। बढ़ते नेक्स्ट की ओर आपको बताना है, सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपने वचनों के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में मेवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई ने विवाह किया था। बताइए सिसोदिया के किस शासक ने, यानी सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपने वचनों के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई ने विवाह किया था। ऑप्शन नंबर ए राणा चूड़ा, ऑप्शन नंबर बी राणा समीर, ऑप्शन नंबर सी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर डी लाखा। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर आपको बताना है कि सूची एक का आपको सूची दो से क्या है मिलान करना है, सूची एक का सूची दो से मिलान करना कीजिए। एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, कीजिए फिर मैं बताऊंगा, उसे देखना कि आपका सही है या नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करें, 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करें। इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपका जब राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें। तो क्या आएगा इसमें, अब मैं मिलान करवा रहा हूँ, आप देख लेना आपने इस तरह से किए हैं तो आपका सही होगा। बात करते हैं जालौर की, तो जालौर जिले में कौन सा पर्वत है इनमें से, वो है जारोला, फिर है जयपुर, जयपुर में कौन सा इनमें से पर्वत है? तो है बरवाड़ा, फिर अलवर में बानगढ़, सीकर में रघुनाथगढ़। तो इस तरह से आपका क्या था, 2 1 4 3 जिसने किया थे, 2 1 4 3 ये अगर आपने किया तो आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए डोरा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी गिरवा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी मुकंदरा पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी अलवर पर्वत। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, चार ऑप्शन में से वो आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया था बिल्कुल सही जवाब है, मुकंदरा पहाड़ियां, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर आपको बताना है, विश्व का सर्वाधिक सघन बसावट वाला रेगिस्तान है, बताइए विश्व का सर्वाधिक सघन बसावट वाला रेगिस्तान है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी अटाकामा मरुस्थल। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए किया था बिल्कुल सही जवाब है, थार मरुस्थल आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर आपको बताना है, पाथल और पीथल, धरती दोरारी व लील टांस जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियों के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मेघराज मुकुल, ऑप्शन नंबर बी केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन नंबर सी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी सूर्यमल मिश्रण।
तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आएगा इसमें, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया था कन्हैयालाल सेठिया, बिल्कुल सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है नैनशिरी ख्यात के लेखक मुणवत नैनशी किस शासक के दरबार में थे। बताइए नैनशिरी ख्यात के लेखक मुणवत नैनशी किस शासक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए महाराजा मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी राव राजा उदय सिंह। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, महाराजा जसवंत सिंह, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है पद्मावत के लेखक कौन थे। पद्मावत के लेखक कौन थे, ऑप्शन नंबर ए जयानक, ऑप्शन नंबर बी पद्मनाभ, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया था बिल्कुल सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन नंबर ए बालाबंद, ये क्या होता है पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी बींद बागो, ये क्या होती है दूल्हे की पोशाक, ऑप्शन नंबर सी बुगची यानी बुगचो, ये क्या होती है यह गठड़ी जिसमें वस्त्र या फुटकर सामग्री बांधी जाती है, चौकोर वस्त्र के तीन कोणों को परस्पर जोड़कर बनाया जाने वाला थैला, या फिर उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन में से आपको बताना है सत्य कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब होगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है वो अपना एक नंबर है वो जोड़ सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि पद्मश्री से सम्मानित जोधपुर के प्रसिद्ध बंधेज कलाकार जो बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित जोधपुर के प्रसिद्ध बंधेज कलाकार जो बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद परवेज अहमद, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद रफीक अहमद, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद काले खां, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद तैयब खां। तो चार ऑप्शन है वो आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया इसमें बिल्कुल सही जवाब है मोहम्मद तैयब खां, वो क्या है बांधनी कला के बादशाह कहलाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। एक तरफ आपको अंग दे रखे हैं, एक तरफ आभूषण दे रखे हैं, ए में क्या है हाथ है, फिर कलाई है बी में, और नीचे के ऑप्शन भी दिखा देता हूं मैं आपको, बाह है और पांव है, और आभूषण कौन कौन से इनमें, आभूषण है वो गजरी है इरनामेन है, इनको लिख लो एक कॉपी पर जल्दी लिख लो, दो तीन सेकंड का आपके पास टाइम है। हाथ के सामने गजरी है, कलाई के सामने इरनामेन है, और फिर क्या है बाएं के सामने खांच है, ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर डी में क्या है पांव है वो बाजू जोशन है, इनको आपको सम्मिलित करना है कीजिए। तो क्या आएगा इसमें, अगर आपने उत्तर ये किया है चार एक तीन दो अगर आपने उत्तर किया तो आपका बिल्कुल सही है, 4132 आएगा इसका उत्तर। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं। बताइए तारकसी के जेवर वो कहाँ के प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर नादवारा, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर अजमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर करौली, ऑप्शन नंबर डी नागौर सिरोही। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें जयपुर नाथद्वारा के क्या है तारकसी के जेवर वो प्रसिद्ध है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जाता है कौन सा है। बताइए बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जा सकता है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सीताबाड़ी मेला, ऑप्शन नंबर बी भद्रकाली मेला, ऑप्शन नंबर सी कपालेश्वर महादेव मेला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा चार ऑप्शन में से, जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करें। ऑप्शन नंबर सी जिसने किया बिल्कुल सही जवाब है
कपालेश्वर महादेव मेला ये कहाँ पे लगता है? बाड़मेर के चौटन कस्बे में हर 12 वर्ष में बढ़ता है, जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप भी कहा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है तारकिन का उर्स है वो कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी नागौर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी जालौर में। तो बताइए कहाँ लगता है तारकिन का उर्स? तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, नागौर में। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा इनमें से, सत्य कथन कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर ए क्या है? बैठकी नाट्य प्राचीन तुर्रा कलंगी ख्यालों का रूप है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बालिकाओं और सदवा स्त्रियों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जालौर जिले में होली के अगले दिन भाटा गेर खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी। बताइए सही जवाब क्या होगा चार ऑप्शन में से? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी किया है, बी किया है, ए किया है, यानी उपयुक्त सभी आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी जिसने किया, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है सत्य कथन बताना है फिर आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गणगौर त्यौहार पर विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना से 15 या 18 दिन तक व्रत रखती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जैन समाज के त्यौहार रोट तीज पड़ुआ ढोक आदि है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सिंधी समाज के त्यौहार चालीहा ऐसुचन पर्व बदड़ी आदि हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी किया है, पहला और दूसरा और तीसरा तीनों तीनों ऑप्शन क्या आपके सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि कठपुतलीगढ़ कहाँ स्थित है? बताइए कठपुतलीगढ़ है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जालौर किला, ऑप्शन नंबर बी जयगढ़ किला, ऑप्शन नंबर सी आमेर, ऑप्शन नंबर डी शिवाना किला। तो चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो आपको नोट डाउन कर लेना है, क्या आएगा इसमें? जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही जवाब है, क्या आएगा इसमें? जयगढ़ का किला आएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया था, बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? बताइए दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी शाहबाद दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण विलास। चारों ऑप्शन में से आपका जो भी सही आपको नोट डाउन कर लेना है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए किया है नारगढ़ दुर्ग, तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, आपको बताना है कि नारगढ़ किले का मूल नाम क्या है? नारगढ़ किले का आपको मूल नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए शेरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी आमेर दुर्ग। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, सुदर्शनगढ़ दुर्ग आएगा इसमें। इस किले को जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी कहा जाता है। इस किले में सुदर्शन कृष्ण भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुदर्शन कृष्ण भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं नारगढ़ किले को। तो ये हो गए आपके आज के राजस्थान जीके के, जो कि राजस्थान की क्राइम संस्कृति से संबंधित आपके क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का आपका एग्जाम होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको करवाए हैं। अब आपको बताना है कि इन 20 में से आपके कितने नंबर आए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको ये बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।